वैसे तो बॉलीवुड की दुनिया हमें बहुत हसीन लगती है, लेकिन कुछ ऐसी नाकाम स्टोरीज भी मौजूद हैं जिसे सुनकर ज़रूर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी ही रियल स्टोरी बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें, हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये स्टोरी है चौरन मूवी के डायरेक्टर देवाशीष देवाशीष मखेजा की, जिसने अपनी जिंदगी की 2 दहाइयां फिल्म इंडस्ट्री को दे दी। उसने हालिया तौर पे एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है कि अब उनकी उम्र 40 साल की हो गई है और उसका एक प्रोजेक्ट भी प्रॉफिट कमाने में नाकाम रहा। उसकी फिल्म अजी 2017 के अंदर सिर्फ 1 करोड़ बजट से बनाई गई, लेकिन वो बिजनेस सिर्फ 15 लाख का कर सकी। जोरम मूवी जिसकी मेन एक्टर, मनोज बाजपेयी थे। हाँ, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर बुरी तरह पिट गई। शायद आप ये समझ रहे हों कि बजाज मूवी की स्टोरी में कोई दमखम नहीं होगा, तो आपका ये अंदाजा 100% गलत है, क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड में जोरम मूवी ने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इस जोरम मूवी की बॉक्स ऑफिस पर नाकामी के साथ ही डायरेक्टर खुद बैंकक्रप्ट हो गए। वो 6 माह से अपने घर का रेंट नहीं दे पाए और इस वजह से लैंडलॉर्ड की मिन्नत समाजित कर रहे हैं कि वो उन्हें घर से ना निकाल दें। उसने ये इंकशाफ किया है कि उनकी उम्र 40 साल की हो गई है, लेकिन अब इस इंडस्ट्री की वजह से वो एक साइकिल खरीदने की भी ताकत नहीं रखते। दोस्तों, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जल्द इस माली मुश्किलात से बाहर निकल आए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आप इस डायरेक्टर के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप YouTube फैमिली का हिस्सा बनें। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सी यू सोन।